रब रब करके तो मौका मिलिया, हुण इस नूं आपां हत्थों जान नहीं देना, दोहां हत्थां दे नाल इहनूं दबोच लैणा वा। की मतलब है तुहाडा? सिद्धी जी गल हैगी है, तू सोच के तो देख, जिहड़ी औरत इन्ना पैसा दे रही है उहदी जरूरत किन्नी वड्डी होऊगी। सिंपल वो इन्नी सिंपल है कि फायदा ही ना चक सके, पर उहदी मम्मी इन्नी सिंपल नहीं हैगी कि मौके का फायदा ना लै सके। मम्मी तुसी कुछ स्टूपिड ना कर दियो, इन तो तुहाडे तों डर ही लगता रहिंदा है। फिकर ना कर, इस बार कोई गलती नहीं होण देनी, ये मेरा वादा है तेरे नाल, पुरानियां गल्लां ते मिट्टी पा। ठीक है, एक नवी शुरुआत कर दें। बस मैं ऐ सोच रही हूँ कि तुहानू सब कुछ दस के मैं पंगा दा नहीं पा लिता, होर तुसी कोई नवा स्यापा ही छेड़ देवो, जिदा मैं सोच रही हूँ ना बस उदा हो जाए। बस ऐ समझ लो आपा इन्ना पैसिया दी ना ऐश करनी है, वो भी दब के, ते कल तो इन्ना पैसिया दे नाल शॉपिंग शुरू हो जानी है। हुण तू बस मौज कर, अपने को पैसे का कोई घाटा नहीं है। मम्मी जी तुसी अपने ना मुंगेरी लाल दे सुपने देखे चलो, मैं तो जा रही हूँ शॉपिंग करन, खड़े रहो इत्थे। ओ मैनूं जा लैण दो, मैं सनी दी मम्मी नूं मिलण आई हां। गुड्डू कौन है बाहर, आण दो। रणवीर पुत्र मैं तो इन्हू पहले ही कह रही थी कि मैं जानती हाँ तुहानू, ते तुसी मैनू मिलन तो बिल्कुल भी मना नहीं करूंगे, पर यही मेरे नाल बहस करी जांदा सी, मैं तो तुहाडी मम्मी नू मिलन आई सी। तुसी जा। ओ तैनू समझ नहीं आंदी कि बाहरों कोई मेहमान आया, उन्हें चाह पानी पुछ लिए। मेरा मतलब है कि बाहरों इन्नी गर्मी दे विचों आई है, चाह नहीं तो पानी लिया दो। जी मैडम। तुसी बैठो। सोना घर है, किन्ना वड्डा है, किन्ने के कमरे होंगे, 8-10 तो होने ही है, देखने तो ही लगता है। आंटी जी इस टाइम तो मम्मी जी बाहर गए हुए हैं, तुसी ये थे कोई खास कारण? ये कप तो बड़े महंगे लग रहे ने, समोसे तुहाडे पर्सनल शेफ ने बनाए ने, स्वाद होणगे ना, मैं टेस्ट कर सकदी हां? तुसी सनी नूं जानदे हो? चंगी तरह जानदी है, बड़ा चंगा मुंडा है। ओहो मैं तो भुल ही गई सी, तुहानूं तो पता ही है ना कि सिंपल दा विआह अरमान दे नाल हो रहा है, ते मैं तुहानूं ते तुहाडे परिवार नूं न्योता देण आई हां, ते तुसी ना सारे फंक्शन ते आना, एक भी मिस नहीं करना। ओ ना जल्दी जल्दी च आपा कार्ड नहीं प्रिंट करा पाए, वैसे वैसे ज्यादा लोगों को बुला नहीं सकते, पर खास खास लोगों तो बुला ही सकते हैं ना, ते तुसी अपनी मम्मी ते भरा दोनों लेके आयो। जरूर मैं मम्मी जी नूं दस दांगा कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਟੀ ਸੈੱਟ ਨਾ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ। ਤਾਨੀ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਚੱਜ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਓਏ ਅੰਨਾ ਵਾ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ। ਪੁੱਤਰ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਗਲਤ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸੋਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦਾ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨਿਕਲੀ,
बहुत तेज दिमाग चलाया उन्हें ते मेरे नाल भी चलाकी कर गई हो। ए प्लान ना साढ़े दोवां दा सी पर उन्हें मेरे नाल सही नहीं किया। ते मेरी अपनी माँ मैनू एक रुपया नहीं दे के खुश तो उहदे ते पानी वांग पैसा बहा रही है। हाँ हाँ आखिर कुड़ी कहदी है होशियार तो होगी पर पुत्र मैनू नहीं लगता कि सिंपल दी अकल इस वेले काम कर रही है। वो गलत मुंडे नाल व्याह करा रही है। की मतलब है तुहाडा? अरमान उहदे लई सही नहीं है पर अरमान तो एक चंगा मुंडा है। होगा चंगा पर उहदे पल्ले की है? है तो एक मामूली जिहा कर्मचारी ना। हाँ जी तुसी सही कह रहे जे मेरे भरा दे दफ्तर विच एक मामूली जिहा इंप्लॉई है। मेरी ना इक्को इक कुड़ी है ते मैं चाहनी है कोई कि किसी सोहणे मुंडे दे नाल ते किसी अमीर मुंडे नाल व्याह करावे बिलकुल तेरे वर्गे दे नाल। पर उहने की कीता तेनू छड्ड के उस अरमान वर्गे मुंडे नूं चुनिया। जिंदगी भर दा स्यापा गल पा लिया। आंटी जी मैं तुहाडी गल नाल पूरा सहमत हाँ नाले सिंपल ता एक बहुत वधिया मुंडा डिजर्व करदी है। ओही ता पर सिंपल नूं पता नहीं कदों समझ आनी है। मैनूं डर लगदा कि सिंपल नूं ना अकल आंदे आंदे किते बहुत देर ना हो जाए। मैं तुहाडी बेचैनी समझदा पर सिंपल मेरे बारे इदां कदे नहीं सोचेगी। उहनूं ता बस अरमान दिखदा है। वो हर वेले अरमान अरमान ही करदी रहिंदी है। मैनूं ता सिंपल हमेशा तो ही पसंद सी। मैं ता उहदे नाल रहना चाहुंदा सी पर वो ता अरमान दी होके रहना चाहुंदी है। चलो पसंद अपनी अपनी जिवें मैनूं वो पसंद है ते उहनूं होर कोई। मेरे हुंदे होए सिंपल ना एड्डी वड्डी बेवकूफी नहीं कर सकदी। मम्मी जी आ मैं होलिका का सारा समान ले आई हाँ तुसी देख लो जे थानू कुछ होर चाहिए तो। ठीक है पुत्र रख दे मैं देख लैनी हूँ। देशो पुत्र पर ये दूजे चौले च की है? ते तू अरमान की मदद कर ही दी लिया दिता ना सारा समान मेहंदी ते ब्याह ली। मैं भी तेनू कदे कदे समझ नहीं पाती देशो तू क्यों ये सब कुछ कर दी है? इन्ना चंगा बनने की लोड़ नहीं है देशो ते की खट्टिया तू अज तक चंगा बन के? उन्हें तो तेरी कदर नहीं की। कोई गल नहीं मम्मी जी ले आई समान तुसी इन्ना ना सोचो। देशो पुत्र तेनू कुछ समझ भी आ रहा है कि तू अरमान की मदद कर रही है उन्हें जिंदगी विच अगे वधन लई ते वो निकम्मा मेरा पुत्र तेरी मदद ले रहा अपनी नवी जिंदगी शुरू करने लई। मम्मी जी उन्हां दी मदद करन नाल मेरे दिल विच विश्वास होर भी पक्का हो गया कि मैं अपनी जिंदगी विच जो भी करना ना आपे करना। मेरी ताकत होर वध गई ते भरोसा होर भी मजबूत हो गया। हाले मैं वैसे भी अपनी जिंदगी विच अगे वध चुकी हाँ ते मैं तुहानू पहला भी कहा कि तुसी पापा जी ते पूरब ही मेरी जिंदगी हो। तेरा जो ये विश्वास है ना देशो मेरे च होर भी हौसला भर दिंदा किन्नी चंगियाई है तेरे अंदर जो कुछ भी बुरा देखती नहीं। तेरे नाल भावें किन्ना भी बुरा हो जाए पर तू ओहदे विच भी अपने लिए पला लभ ही लैंदी है। अरमान ही तेरे विच गुण नहीं देख पाया। मम्मी जी नूं दसना चाहिए कि सिंपल दी मम्मी ने विआह दे लई इनवाइट किया। हेलो हेलो सत श्री अकाल मम्मी की हाल? सत श्री अकाल मैं बिल्कुल ठीक हाँ होर किवें है सेहता? मैं भी ठीक हाँ मम्मी जी। मैं बस तुहानू पूछना सी कि तुसी कदों तक वापस आओगे? मेरे वापस आन च क्यों की होया पुत्र तू ठीक तो है कुछ होया है? सब ठीक है मम्मी जी तुसी फिकर ना करो। मैं एक्चुअली तुहानू दसना सी कि सिंपल दी मम्मी ने अरमान ते सिंपल दे विआह दे लई सानू इनवाइट किया ते तुसी इत्थे हो नहीं
मैनू तो हजे समा लग जाएगा पुत्र, यूएस वाले क्लाइंट्स नाल हले तक मीटिंग हुई नहीं, हो सकता एक दो दिन होर लग जान। मेरे तो वैसे भी नहीं सी जाया जाना, पर मैनू लगता है कि तेनू जाना चाहिए पुत्र। मैं की करांगा मम्मी जी उत्थे जाके, बेचारी देशो जी वैसे ही परेशान होने ने। इसे लिए ता कह रही हां कि तेनू जाना चाहिए। मैनू जाना चाहिए पर मम्मी जी। बिल्कुल पुत्र, देशो इस टाइम बहुत तकलीफ च होएगी, ओनू किसी चंगे दोस्त की जरूरत होएगी। ते तेरे तो बाद के होर कौन हो सकता उहदा चंगा दोस्त? शायद तुसी ठीक कह रहे हो, देशो जी नू एक चंगे दोस्त दे सहारे दी बहुत लोड़ है। जो कुछ भी उन्हां दे नाल हो रहा है, अरमान नू किसी होर दा हुंदिया देखना एक कहण दे लई भी आसान हो सकता है मम्मी जी, पर उन्ना आसान है नहीं। बिल्कुल पुत्तर। ठीक है मम्मी जी, मैं ब्याह चला जाऊं। बिल्कुल जाना चाहिए, आखिर असी इस ब्याह लई एड्डी वड्डी कीमत भी तो चुका रहे हैं। कीमत चुका रहे? कीमत मतलब मम्मी जी? मैं कुछ समझिया नहीं। कीमत मतलब कीमत ही तो है पुत्र, मैं अपने पुत्र का दिल टुटता देखा, ओनू इन्ने दर्द च देखा, तो उत्तो अरमान तेरे नाल केहो जिहा बर्ताव करदा? वो सब देख के मेरे दिल ते की बीती है ना पुत्र। ये सब कीमत तो घट नहीं है। ये सब देख के मेरे दिल ते की बीती है ये मैं ही जानती हूँ पुत्र। पर शुक्र है हुण अरमान का विआह हो रहा है, तो हमेशा हमेशा लई देशो दी जिंदगी तो जा रहा है। मम्मी जी, देशो जी दे नाल जो कुछ भी हो रहा है ना, उहदा अंदाजा है मैनूं। हाँ पुत्र, मैं समझ सकती हूँ। पर इहदे नाल देशो दी लाइफ च क्लैरिटी आ जाएगी, वो समझ सकेगी कि तू उहनूं किन्ना प्यार करदा है। जो कुछ भी होवे मम्मी जी, मैं बस देशो जी नूं खुश देखना चाहुंदा, मेरे नाल या मेरे बिना। उहनां दी खुशी तो ज़्यादा ना मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं रखदा ते मैं ब्याह च भी चला जाऊंगा। ठीक है पुत्र, ध्यान रखी अपना। वैसे यह हार कितना सोहना है, भारी भी बहुत है, इयररिंग्स भी बहुत सोहने हैं। कड़ा भी काफी भारी है। वैसे यह सब कुछ ना अरमान दे हुंदे तो कदी भी मैनू नसीब च नहीं सी होना, पर सिंपल शर्मा कमाल है, तू दिमाग तो तेरा काफी तेज चलता है। वरना कौन सोच सकता है कि मिसेस दुग्गल अपने पुत्र दे प्यार करके इन्ना कुछ कर सकती है, इन्नी वड्डी रकम दे सकती है, वो भी सिर्फ ब्याह करवाने लई। इहो तां कहिंदे ने ए लोक हुंदे ने इमोशनल फूल। आवला हार भी बहुत सोहना है। मेहंदी के फंक्शन च पा लांगे, लहंगे ना सोहना लगूगा। मैं भी देख देख मामा तीया किन्नी सोहनिया लगदी पईया। लगदिया कितने? कि मैं तेरी मां है, भैणा लगदिया सी है ना। सोना हार है, भला मेरे ब्लैक सूट दे नाल कितना जचूगा? डायमंड दा लगदा है। इयररिंग्स भी कितने सोने हैं, ये ते जचनगे ना, सोने लगदे पे ना मेरे। अरे कितने सोने हैगे, बहुत महंगे होणगे है ना। फड़ाओ इधर। वैसे भी ये सारे सेट ना मेरे है, ते आ जड़ा है मैं अपने मेहंदी दे फंक्शन ते पाना लहंगे नाल। मेरी गल ना ध्यान ना सुन, थोड़ा ना दिमाग वर्त अपना।
तुसी मेरा फोन फड़ा इधर। दो फोन? मम्मी मैं फोटो खिंच रही है, मैं पोस्ट करनी है, हजे तक एक भी चार्ज की फोटो नहीं आई है। ले आओ दो फोन। हाँ फड़ फोन अपना। तू खेडा खेडी जा अपने दोस्तों के नाल, करी जा ड्रामा फोटो वाला, तो जो तेरे को कुछ ना बचे ना तो फिर बह जी अपने मत्थे दे हाथ रख के, उदो तेरे दोस्तों ने तेरे को नहीं आना। क्यों तेरी अकल से पत्थर पे हुए ने? की मतलब है तुहाडा कि मेरे को कुछ नहीं बचना? आ देखो इन्ने गहने तो है मेरे को, नाले लखा देने और भी बथेरे सैट आने वाले। मैनू पता सी तू यही कहना है, तेरा ना दिमाग खराब हो गया वा, तेनू नहीं पता तू की कर रही है। तुसी कहना है कि चाहते हो साफ साफ को अब जारतर जी की पा रहे हो। वो तो चंगा होया कि मैं टाइम पे आ गई है, नहीं तो तू तो कोई कसर नहीं सी छड़ी अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क करन लई। हुण मैं आ गई हूँ, तेनू कोई बेवकूफी नहीं करन दवांगी। तुसी कहना कि चाहते हो केड़ी गलती कीती मैं? तू अरमान दे नाल व्याह नहीं करा सकती, नहीं तो तू सारी जिंदगी पछताएगी। नाले मैं अरमान नाल व्याह करा तो क्यों मना करा, वो भी लास्ट मिनट ते। तू मेरी गल ध्यान ना सुन सिंपल। बस मम्मी जी तुसी गल मेरी ध्यान ना सुनो, अरमान नाल व्याह करवाण ली ना बहुत पापड़ बेलने पए है मैनू, ता जाके इत्थे मैं पहुंची हां। ते मैनू ऐ वी गल पता है कि जे इस बार मेरा व्याह ना होया अरमान नाल ते उन्हें दोबारा इन्नी आसानी ना मनना भी नहीं है। अरमान नू अपने प्यार च फसाण ली ना मैं बहुत चाला चलिया ने, नाले थोड़े दिन बचे ने मेरे व्याह लई, पहला मेहंदी होनी है फिर हल्दी ते उस तो बाद व्याह होना, फिर उस देशों नू ते उस बुढ़ी नू इस घर तो बाहर कढ़ दांगे धक्के मार के। यह तो मैं शुरू तो चाहती सी। मेरी गल सुन पुत्र। बस मम्मी जी बस, मैं व्याह करवा रही हूँ, तुहाड़ी किसी गल च नहीं आना, मैं बहुत दिमाग खराब कर लिया तुसी मेरा। बख्श दो हूँ मैनू, कोई गल नहीं सुननी मैं तुहाड़ी। मैनू पहले ही पता होना चाहिए सी कि तुसी सिर्फ इत्थे मेरी जिंदगी बर्बाद करन आए हो, पहला भी मेरे बहुत सारे प्लान्स ते पानी फेर चुके हो, हुण होर कोई गल नहीं सुननी मैं तुहाड़ी। मैनू मेरी गल कहण दा मौका दे पुत्र, मैं समझौनी है तेनू, ठंडे दिमाग दे नाल सोच। नहीं मम्मी जी इस बार मैं तुहानू अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करन दूंगी, बड़िया मुश्किलों दे नाल मैं इत्थे पहुंची ते इस बार थोड़ी कोई गल नहीं सुनूंगी मैं। चंगा ही होएगा तुसी इत्थे सारे फंक्शंस इंजॉय करो, अपने दिमाग नू ठंडा रखो, तुसी बस मैनू अपना आशीर्वाद दो, थोड़ी धी अपनी नवी जिंदगी की शुरुआत कर रही है ताकि वह खुशहाल रहे, ते उस तो बाद तुसी भी चलते बनो। सिंपल एक बार सुन तो ले मैं कहना की चाहनी है। नहीं मम्मी मैं कह दिता ना इस बार मैं तुहानू अपनी जिंदगी बर्बाद करन नहीं दूंगी। ठीक है जिवें तेनू ठीक लगे तू कर। बस मम्मी इस बार किसी मैलो ड्रामे का कोई असर नहीं होना तुहाडा। लो जी कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशन सर। थैंक यू लव मी सर। मुबारकां सानू बहुत खुशी है। ओ चक ला पूरा नहीं हुंदी शुगर। लो जी कंग्रेचुलेशन अरमान। थैंक यू सो मच। वैसे वेन्यू केड़ा रखा है? वेन्यू तो हाले कुछ फाइनल ही किया, बाकी ऑप्शंस देखिए। वैसे भी सानू ज्यादा बड़ी जगह की लोड़ नहीं है ना, तो कुछ फंक्शंस शायद घर ही करांगे, बाकी जिवें भी होगा मैं थानू दस दूंगा, पर तुसी आना जरूर है, बहाना कोई नहीं लाना। हाँ हाँ जरूर, साढ़े भरा का विआह है, साढ़े लिए इस तो जरूरी की हो सकता है। लो जी तुसी भी जरूर आना। हाँ जी हाँ जी सर जरूर आऊँ। मैं विआह की खुशी करके सारे का मूंह मिठा करा रहा सी, ते नाले इनविटेशन। मैनू पता है तुसी सारे बहुत खुश हो, जशन का माहौल भी है, एक तो होली ते होली वाले दिन विआह, पर जे तुसी सारे विआह दे फंक्शन का आनंद लेना चाहते हो तो पहला काम खत्म करना भी जरूरी है, छेती छेती अपना काम कर लो ताकि विआह दे फंक्शन ते तुसी वध चढ़ के हिस्सा ले सको, किते ऐ ना होवे कि बाद च पता लगे कि काम भी नहीं होया ते व्याह ते भी नहीं जा सके। चलो छेती काम ते लगो सारे।
अरमान यह फाइल है, ये रेस्टोरेंट्स लिए असं जो भी नवे पकवान सोचे ने लिस्ट है, तुम एक बार वेख लो तो साढ़े ऑनलाइन मेन्यू में भी पा दो। जी मैम मैं कर दूंगा, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, जिदा ही काम हो जाए मैं दस दौ। जी मैम। वैसे अरमान की एक्स वाइफ है बहुत वधिया, अरमान किसी होर ना विआह करा रहा, तो दिशा कोई फर्क ही नहीं पै रहा, बड़े ठंडे दिमाग ना ले रही है सब कुछ। हाँ साढ़े भी चुकी घर आनी होंगी तो उन्हें गम ही कर देना से, इन्नी शांति नाल नहीं विवाह देना। हाँ दिशो मैडम बहुत चंगे ने। देशो जी सच्ची बहुत समझदार ने, सब कुछ किन्ने वधिया तरीके ना संभाल रहे, अंदर भावें कुछ भी चल रहा पर बाहरों तक किन्ने मजबूत।